वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, कितना बढ़िया गाया तुमने, कितना बढ़िया गाया। खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। तुम्हारी जैसी बीवी मिलना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो एक वर्ड है ना, होल स्क्वायर, समझे भैया, मतलब ऑलराउंडर, बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरह। फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में एकदम खतरनाक। हाँ, जमुना के लिए ये सब नहीं है, पर जैसे कि खाना बनाने में, संगीत में, तुम नहीं। हाँ, उसके बाद बड़ों की सेवा करना। मैं सच कहूँ ना तो इस घर के लिए मैं एक ऐसी ही बहू चाहता था। तू जिए हजारों साल बेटी। अब चुप रहो, तुम बहुत बकबक करते हो। चुप क्यों होंगे भैया? ये तो जमुना नाम के परम भक्त है। कमाल की बात है, बनू भी क्यों ना। अरे बनू क्यों नहीं श्रीमती जी, इससे तुम भी कुछ सीखो। वैसे सीखोगी भी कैसे, सीखने की उम्र रही कहाँ तुम्हारी, बुढ़ी जो हो गई हो। फालतू बकवास मत कीजिएगा, बिल्कुल भी फालतू बातें मत कीजिएगा। आप हर वक्त मुझे जमुना से कंपेयर क्यों करते रहते हैं, बताइए। क्या कह रही हो, कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं है, जमुना के मुकाबले कोई है ही नहीं यहाँ पर। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप ऐसा मत कहिए पापा, माँ को बुरा लगता है। और जमुना भाभी, हंसी आ रही है आपको? मजा आता है ना जब माँ को ऐसे कोई हर्ट करता है। हे राम, मुझे मजा क्यों आएगा? अरे चाचा जी ने तो बस यूं ही कह दिया था। बस यूं ही कह दिया था? तुम्हारे चाचा जी यूं ही कहते हैं, यूं ही कह देते हैं ना। तुम्हें लगता है कि यूं ही कहते हैं? जब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जमुना? चाची जी, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। चाची जी, आप बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हैं? वही तो, छोटी भाभी कुछ कह दे तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। और आप लोग, जब आप लोग कुछ कहते हैं तो वो सीधी, सरल और बिल्कुल सही बात हो जाती है ना? आह, क्या हो रहा है ये सब? यहाँ संगीत साधना चल रही है, रिहर्सल चल रहा है। चुप हो जाओ सब लोग, अच्छे माहौल को इस तरह बिगाड़ो मत। ठीक तो है, आपने सही कहा। अरे सुनो, तुमने सुना भैया ने क्या कहा? वो सुना, यहाँ रिहर्सल चल रहा है, मेरी बात सुनो। अरे सुनो ना, माहौल खराब मत करो, माहौल खराब मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अच्छे माहौल को मत बिगाड़ो, मेरी बात सुनो। बदन में आग लग जाती है मेरी। देखो, अनुराधा, 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 कैसी हो? कैसी हो? मुझे पहचाना नहीं? माँ, मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था, आपको पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती माँ। सच बताइए ना माँ, जवाब दीजिए ना, आप वहाँ गई थी ना? कैसी हो? कैसी हो? मुझे पहचाना नहीं? इतनी जल्दी भूल गई? लगता है आप पहचान लिया मुझे। अनुराधा, अनुराधा, अरे सुनो संगीत। हाँ, क्या तुमने अपनी माँ को कहीं देखा है?
माँ तो यहीं पर थी, रुकिए मैं कमरे में जाकर देखता हूँ। पापा बताइए ना क्या चाहिए, मैं ले आती हूँ। नहीं मैं वो कह रहा था कि मुझे एक कप चाय पीनी थी। ठीक है तो मैं ले आती हूँ ना। नहीं मैं लेकर आती हूँ, आप गई तो गाने की प्रैक्टिस रुक जाएगी। वो जानना था कि तुम्हारा इंटरव्यू कब है। इंटरव्यू मतलब? अरे वो जो लोग देखने आएंगे तुम्हें। ओह हाँ वो लोग आएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन लोगों को मेरा ढोल बजाना देखना है। वो तो देखना चाहेंगे ही, क्योंकि यही तो तुम्हारा परिचय है। और यही रहेगा भी, देखना जमुना इस घर में एक बार फिर से तुम ढोल ही बजाओगी भगवान के सामने। और वैसे दुर्गा पूजा आ ही रही है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद तुम्हारे पापा को जाकर गांव में विश्वकर्मा पूजा के दिन ढोल बजाने का एडवांस दूंगी। उसके बाद तुम और तुम्हारे पापा गांव से आकर इस घर में ढोली बनकर ही पड़े रहोगे। 5 दिनों तक ढोल बजाओगे और उसके बाद पैसे लेकर इस घर से चले जाओगे। बड़ी बुआ आप इस तरह बात मत कीजिए प्लीज। और तुम भी अपनी आवाज नीची रखो संगी, बड़ी है वो तुमसे। ये हो क्या रहा है, तुम इस तरह इसका अपमान क्यों कर रही हो? मैंने अपमान तो नहीं किया है बड़े भैया, लेकिन मैं सबके सामने वादा करती हूँ कि इसे अगर इसकी असली औकात पर लेकर नहीं आई तो मेरा नाम रागिनी नहीं। बड़ी बुआ जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? सच कह रही हूँ जमुना, मैं सच कह रही हूँ। दरअसल तुम्हारे पर निकल आए हैं ना, बहुत ही बड़े पर, बहुत उड़ रही हो तुम, और ये देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बहू का इस तरह से अपमान कोई नहीं कर सकता। बड़ी बुआ मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आप जमुना का अपमान मत कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उंगली किसे दिखाया? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? डराने वाली हरकत की है आपने। चुपचाप अपने कमरे में जाइए, नहीं तो कल से आपका दाना पानी बंद कर दूंगा इस घर में। संगीत। हाँ जाइए यहाँ से, बहुत गलतियां की हैं आपने, बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अब एक और शब्द कहा ना, पता नहीं जमुना इस घर में ढोल बजाएगी या नहीं, पर अगली बार दुर्गा पूजा में आप शामिल नहीं हो पाएंगी। मेरी बात याद रखिएगा। संगीत क्या कह रहे हो बहुरानी, ये सब कुछ मुझे भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा पॉप्स। सावन उत्सव के शुभ अवसर पर हम कवि गुरु को याद करेंगे गाना गाकर, नृत्य करके और कविता गाकर। वो सब तो ठीक है बहू, पर इसमें उनका क्या काम? ये देखिए, उनका क्या काम मतलब, वो गाना गाएंगे, कविता पढ़ेंगे, नृत्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ कविता ठीक है बहुरानी, पर देखो मुझे नाचने को मत कहना। आपको नाचना तो पड़ेगा ही पॉप्स, इस बार हम लोग सबके सामने श्यामा नृत्य नाट्य प्रस्तुत करेंगे और मॉम्स आप बनेंगी श्यामा। बहुरानी तुम ज्यादा अच्छी हो, तुम बनो श्यामा, मुझे मत बनाओ ना। श्यामा आप ही बनेंगी मॉम्स, क्योंकि मैं बनूंगी डायरेक्टर। क्या तुम डायरेक्टर बनोगी? मैं डायरेक्टर बनूंगी। और मैं आप सहेली बनेंगी। सहेली? हाँ सहेली, और वज्रसेन होंगे। कौन? वही तो सोच रही हूँ, थोड़ा सोचने दीजिए ना, किसको बनाऊँ? वज्रसेन किसको बना सकती हूँ? वज्रसेन कौन बन सकता है? वज्रसेन? हाँ बहुरानी,
बहुरानी, मैं कह रहा था कि तुम रहने दो ये सब बहुरानी। अरे आप शांत रहिए, टोकिए मत ना बीच में, अभी कुछ सोच रही हूँ ना मैं। वजीर सिंह कौन बन सकता है? बहुरानी, पेश है तुम्हारा नाश्ता और चाय। ये मिल गया। क्या? आप ही बनेंगे। क्या बनूंगा? श्यामा। सॉरी 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 सॉरी, आप बनेंगे वज्र सेन। मैं वज्र सेन बनूंगा। मतलब आप वज्र सेन बन के डांस करेंगे? अरे नहीं बहुरानी, मैं ये सब नहीं कर सकता। देखो अभी भी नाश्ता बना कर आया हूँ, अभी डांस नहीं कर सकता मैं। नहीं करूँगा। बिल्कुल राइट चॉइस है मेरी, आप ही वज्र सेन बनेंगे और डांस करेंगे। लेकिन मैं कह रही थी कि इतना छोटा मोटा वज्र सेन। हाइट के बारे में कुछ मत बोलना, एक शब्द मत कहना श्रावणी। खुद को समझती क्या हो? तुम बहुत लंबी हो क्या? हाइट के बारे में कुछ मत बोलना। नहीं मतलब मैं कह रही थी कि वो अजीब नहीं लगेगा क्या? लगने दो। हाँ लगने दीजिए, लगने दीजिए। बुआ जी आप कुछ भी कह लीजिए, पर मेरे ताउस में एक अलग ही एनर्जी है ना ताउस, है ना? मेरी चॉइस बिल्कुल सही है। सही कहा ना मैंने ताउस, सही कहा? ठीक है बहुरानी, ठीक है, पर मैं कह रहा था कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, मुझे डांस के लिए मत कहो। आपको डांस करना ही होगा ताउस। आप बनेंगे वज्र से, हमारी मॉम्स बनेंगी श्यामा, बुआ जी बनेंगी सहेली, और मैं, तुम भी आ गई पोंपा, तुम बनोगी उत्तियो। उत्तियो? हाँ ठीक है, मैं उत्तियो की एक्टिंग बहुत अच्छे से करूंगी। वेरी गुड पोंपा। और पॉप्स? आप बहुरानी? आप बनेंगे कोटाल। कोटाल? हाँ। बहुरानी इस उम्र में मुझसे डांस मत करवाओ बहुरानी, मुझे तो नाचना ही नहीं आता। वो तो बचपन में थोड़ा बहुत हिल डुल लेता था, बस इतना ही। बस बहुत है, मैं सिखा दूंगी, मैं हूँ ना डायरेक्टर। हाँ डायरेक्टर, तुम डायरेक्टर बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं बहुरानी, पर मुझसे डांस मत करवाओ बहुरानी। आपको तो डांस करना ही होगा पॉप्स। और ताउस आप बनेंगे वज्र सेन, हम लोग सभी को बिल्कुल शॉक कर देंगे। उससे पहले हम लोग ही शॉक हो जाएंगे बहुरानी, मेरी बात मानो बहुरानी, मुझे रहने दो ना, मैं मतलब ये सब मैं। ताउस आप ना बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं, आप इस घर का सम्मान है, आप समझिए तो। और सबसे बड़ी बात, मैंने आसपास के सब लोगों को बता दिया है कि इस घर की नई बहू सावन उत्सव में इतना धमाल मचाएगी कि सब दंग रह जाएंगे। ताउस आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आप है मेरे नए आविष्कार। लेकिन बहुरानी मैं कह रहा था कि मैं मुझे कुछ मतलब नहीं सुनूंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुरानी बहुरानी मेरा गंगा जल कहाँ है? आ गई। अरे मेरी गंगा जल बुआ दादी, आपको भी रहना है, प्रॉम्प्ट करना है। मतलब अगर कोई डायलॉग भूल जाता है तो उसे पीछे से डायलॉग बता देना है, प्रॉम्प्ट करना है। अब ठीक है, भूलिएगा मत। हाँ लेकिन म्यूजिक कौन देगा और गाना कौन गाएगा? मैं गाऊंगी। मैं गाऊंगी, मेरे भैया गाएंगे, भैया वज्र सेन के लिए गाएंगे और मैं श्यामा के लिए, और जमुना भाभी तो एक्सपर्ट है ही, वो म्यूजिक दे देंगी। ए बहुरानी, मैं कह रहा था कि मैं जाऊं, रसोई में मेरा खाना जल जाएगा। जाइए, लेकिन रिहर्सल करनी पड़ेगी। मुझे रिहर्सल करनी पड़ेगी? हे भगवान, डांस करेंगे तो रिहर्सल नहीं करेंगे क्या? बहुरानी बहुरानी मैं कह रहा था कि वो कोटाल, कोटाल मुझसे नहीं होगा बहुरानी। आपको तो करना ही होगा पॉप्स, बी पॉजिटिव। और मेरी गंगा जल बुआ दादी, आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, इस प्रोग्राम में आपको रहना ही है, रहना ही होगा, ठीक है ना बुआ दादी? लेकिन मुझसे नहीं होगा बहुरानी। आहा ताउस, आपको करना होगा ताउस, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्योंकि मॉम्स है हमारी श्यामा। ओ बहुरानी तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? आपने क्या कभी डांस नहीं किया? किया है डांस, पर दूसरे तरीके। कौन का? से तरीके का? हा? वो सब डांस, वो वेस्टर्न डांस, सालसा, हिप हॉप किया है। वाह वाह वाह, और मुझे ज्ञान देती थी। हाँ
आपको तो हमारे लोक संगीत से कुछ लेना देना ही नहीं है मॉम्स। हाँ नहीं है, पर तब तो मैंने ये नहीं सोचा था ना कि तुम मुझसे श्यामा की एक्टिंग करवाओगी। बहुरानी मुझसे नहीं होगा। बार बार नहीं होगा कहने से तो होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा मॉम्स। सुनो ना, मैं श्यामा बन जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आप सहेली ही रहिए। श्यामा तो मेरी मॉम्स ही बनेंगी, है ना? ओ बहुरानी, आपको करना होगा मॉम्स। हाँ बोलिए। हाँ गीत, तुमने फोन किया था, बोलो। हाँ हाँ किया था, हमारे घर पे श्यामा नाटक होगा जमुना भाभी। श्यामा नाटक होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम। बताती हूँ, सावन उत्सव पर कवि गुरु रविंद्रनाथ की याद में हम सबके सामने श्यामा नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। सच में? और पता है मैं क्या हूँ? डायरेक्टर। अरे बाप रे, तुम डायरेक्टर हो? किसका फोन है जमुना? गीत का फोन है। अच्छा? हम लोग सब मिलकर श्यामा नृत्य करने वाले हैं और गीत डायरेक्टर है। एक मिनट, और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बताती हूँ। पता है आपको, श्यामा बन रही है मेरी सासू माँ और कोटाल बनेंगे मेरे ससुर जी। क्या, तुम्हारे ससुर जी कोटाल बनेंगे? हाँ, हाँ, ससुर जी कोटाल और ताऊस बनेंगे वज्र से। अरे मतलब हंस क्यों रही हो, बताओ ना। गीत के ताऊ ससुर जी वज्र से बनेंगे। रुको एक मिनट। हेलो, अच्छा तुम अपने फोन को स्पीकर पर डालो। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए। अरे तू ये सब क्या बोल रही है, पागल वागल हो गई है क्या तू? नहीं नहीं भैया, मैं पागल नहीं हुई हूँ। सुनिए सुनिए, मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मॉम्स क्या आपने कभी डांस नहीं किया? पता है उन्होंने क्या कहा? कहा कि उन्होंने बॉलीवुड डांस किया है, हिप हॉप डांस किया है, सालसा किया है, लेकिन इस तरह का डांस उन्होंने कभी नहीं किया है। जमुना, ओ जमुना, तुम जरा मेरी बहुरानी को बोलो ना, इसे समझाओ ना कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। आप कर पाएंगी, अच्छे से कर पाएंगी। अच्छा भैया सुनिए ना, आप जरा वज्रसेन वाला गाना गा दीजिएगा। ओके अच्छा बाबा, ठीक है मैं गा दूंगा, जो हुकुम। और मैं श्यामा वाला गाना गा दूंगी। और जमुना भाभी सुन रही है ना, आप प्लीज म्यूजिक रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हंस रही है, हंस क्यों रही हो? गीत, मैं ना इमेजिन कर रही हूँ तुम्हारे जैसे सोची बज्रसेन बनेंगे, मैं तो हैरान हो गई हूँ। ताऊ जी, ओ ताऊ जी, आपसे बात करेंगी, आप बज्रसेन बनेंगे। तो इसमें इतना हंसने की बात क्या है, हा? हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं क्या, आप बज्रसेन बनेंगे, मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? बहुत अजीब लगेगा दिखने में। क्या अजीब लगेगा, हा? मजाक कर रही हूँ मेरे साथ। हेलो गीत, अच्छा सुनना, तेरे ससुर जी क्या बनेंगे? मेरे ससुर जी मेरे ससुर जी बनेंगे कोटाल। हैं? कोटाल? क्या हुआ है? लाइए फोन दीजिए। गीत के ससुराल वाले श्यामा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। क्या, श्यामा कौन बनेगी? गेस। अच्छा गीत दीदी श्यामा बन रही है? ना जी ना, गीत की सासू माँ बनेंगी श्यामा, ससुर जी बनेंगे कोटाल और बज्रसेन बनने वाले हैं उसके ताऊ जी। क्या, ताऊ जी बज्रसेन बनेंगे? हाँ, सोच के देखो जरा। हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? अरे इसमें हंसने की क्या बात है, हा? ठीक है, मैं भी चैलेंज करता हूँ कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना कि सब देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे। वाह, ये हुई ना बात ताऊज, वाह ताऊज, वाह वाह वाह। हाँ, मैं आज से ही रिहर्सल शुरू कर दूंगा बहुरानी, देखो। वेरी गुड, तुम बस मुझे कोई गाना सिखा दो बस।
अच्छा बहू रानी, इस सारे गाने क्या नए गाने हैं? क्या कह रहे हैं आप ताऊ? जी 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 जी, रविंद्रनाथ के संगीत को आप नए गाने कह रहे हैं? क्या हो गया? हाँ, रविंद्रनाथ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा ना दिमाग ही खराब हो गया, भूल गया हूँ। दरअसल पहले कभी डांस नहीं किया ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिखा दूंगा। इन्हें भी हंसी आ रही है। ए जमुना, जमुना। हाँ ताऊ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कह देता हूँ तुम्हें, चैलेंज करता हूँ कि मैं ऐसा डांस करूँगा ना कि सब देखकर दंग रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो ना, मुझे कोटाल बना रही है, मैं सब नहीं कर पाऊंगा। जमुना जमुना, तू तो हमें बचा लो जमुना, मैं सब नहीं कर पाऊंगा जमुना, मुझसे नहीं होगा ये। आहा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इस उम्र में श्यामा नहीं बन पाऊंगी, मुझसे डांस नहीं हो पाएगा। आहा, मॉम्स ज्यादा डांस नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डांस करना है। वैसे भी आप तो श्यामा बन रही है, आपको बस अच्छे से परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, बस अच्छे से परफॉर्म करना है, समझ गई आप? ठीक है, तो सब सुन लीजिए, अगले हफ्ते से रिहर्सल शुरू हो जाएगी। बस सब फिक्स हो गया, सब फिक्स हो गया। इतना पूरी पागल है। हाँ, पूरी पागल है। विश्वास नहीं हो रहा उसके ताऊ जी वज्रसेन बनेंगे और ससुर जी कोटाल। ठीक है, तो हम लोग अगले हफ्ते से रिहर्सल शुरू कर रहे हैं, अगले हफ्ते से, याद रखना मॉम्स। हाँ, तो फिर मैं सारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ओके बाय। हाय राम, मैं डांस पास नहीं कर पाऊंगी, मैं कह देती हूँ मुझसे नहीं होगा। भाग तेरे की, मुझे कोटाल बना रही है। अरे आप ही बताइए मैं कैसे कर पाऊंगा कोटाल की एक्टिंग। तू चुप कर, मुझे तो वज्रसेन बना रही है, मैं क्या करूँ। बड़े मामा, आपने ही तो कहा था आप कर लेंगे, जोश में तो आपने चैलेंज ही दे दिया। अब कीजिए तैयारी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा, देखना। यशरावणी, कौन सा गाना था बता तो। हाँ हाँ, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जीत का हो दान। ये तो पागल हो गए हैं। क्यों 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 क्यों, पागल क्यों कहा तुमने? देखिए ना, अभी से एक्टिंग शुरू कर दी उन्होंने, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बड़े भैया करेंगे वज्रसेन, मैं बनूंगा कोटाल, कोटाल की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हे भगवान। कल्याण। हाँ भैया। तुम्हें पता है ना, उल्टा रथ यात्रा के दिन हम खूटी पूजा करते हैं, उसी दिन से मूर्ति बनना शुरू हो जाती है। हाँ भैया, जानता हूँ। मैंने अनुराधा को कह दिया है, इस बार खूटी पूजा की सारी तैयारी जमुना करेगी और जमुना ही इस पूजा की शुरुआत भी करेगी। बिल्कुल भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्यों? जैसा कहेंगे वैसा क्यों होगा? अगर केदार राय शुरुआत नहीं करेंगे, अनुराधा राय शुरुआत नहीं करेंगी, तो आप तो हैं, आप शुरुआत कीजिए। मैं हूँ, मैं शुरुआत करूंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं बड़े भैया, और उनके अधिकार से उन्हें वंचित मत कीजिए भैया। इस घर में इतने सालों से तो ऐसी प्रथा चली आ रही है, दुर्गा पूजा के लिए खूटी पूजा की शुरुआत राय खानदान के लोग ही करते हैं। रागिनी, जमुना भी इसी खानदान का ही हिस्सा है। हो सकती है भैया, हो सकती है, बट आफ्टर ऑल वो ढोली की बेटी है। इस मामले में मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहता। परिवार के सभी लोग सुन लें, यही मेरा आखिरी फैसला है। अरे रागिनी, बात क्यों बढ़ा रही हो? भैया ने जो कहा है वही होगा, समझी? और वैसे भी जमुना तो है भी इसके लायक। अगर भैया भाभी खूटी पूजा की शुरुआत नहीं करेंगे तो जमुना ही। तो आप करेंगे, वो क्यों करेगी?
हाँ। अजीब बात है। सुनो मल्लिका, ये पारिवारिक झमेले से ना मुझे दूर ही रहने दो, समझी? बस अच्छे से पूजा होनी चाहिए। हाँ। नहीं, वो नहीं करेंगी। बस या तो आप शुरुआत करेंगे, नहीं तो खुद केदार राय शुरुआत करेंगे। जमुना शुरुआत करेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो बड़े भैया, ढोल बजाने की जिम्मेदारी किसे देंगे? मेरा मतलब, ढोल कौन बजाएगा भैया? मतलब हमारे घर की प्रथा तो है ही कि खूटी पूजा होते ही ढोल बजाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है इस बार हम लोग गंगा ढोली को ढोल बजाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, वो किसी और ढोली को बुलाना है क्या बड़े भैया? ये सब क्या कह रही हो रागिनी? और भैया को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? भैया की उम्र हो रही है, समझ क्यों नहीं रही हो? उनकी तबीयत खराब हो सकती है। वही तो, देखकर ही समझ आ रहा है कि उम्र हो रही है, इसीलिए तो सठिया गए हैं। सोच समझ कर बात कीजिए बड़ी बुआ। ठीक से बात कीजिए, समझी? आपके पास बेकार की बातों के अलावा और कुछ भी है बड़ी बुआ? आप हर समय कोई ना कोई साजिश रचती रहती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ संगीत। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा होगी, जो खूटी पूजा होगी उसकी शुरुआत जमुना ना करे, दैट्स ऑल। पूजा की शुरुआत अगर कोई करेगा तो वो केदार राय होंगे या अनुराधा राय करें, और वो लोग अगर नहीं करना चाहते हैं तो छोटे भैया वो करें। जमुना क्यों करेगी संगीत? करेगी क्योंकि ये फैसला पापा का है, समझी? संगीत, चोरू के गुलाम मत बनो। हमेशा जमुना जमुना मत करो। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रही हो तुम? ये परिवार हमारा है, आखिर सबको मिलकर साथ रहना है। मैं तो साथ ही रहना चाहती हूँ। बार बार जमुना को महान क्यों बनाया जा रहा है? जमुना को ये हक क्यों दिया जा रहा है? घबराइए मत चाची जी, मैं ये पूजा नहीं करूंगी। जमुना, ये मेरा फैसला है। पापा, नहीं पापा, मुझसे ये नहीं होगा। आप ये अपने बेटे से करवाइए, चाची जी से करवाइए। वो लोग पूजा करेंगे। और मैं दिल से ढोल बजाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम ढोल बजाओगी? क्या कह रही हैं आप? आप तो इस घर की बहू हैं। तुम शायद भूल रही हो पल्लवी, इनके शरीर में तो ढोली का ही खून बह रहा है। सही कहा तुमने, मेरे शरीर में ढोली का खून बह रहा है, लेकिन ढोली की बेटी के नाते नहीं, इस राय खानदान की बहू के नाते ढोल बजाऊंगी। हाँ, मैं खुशी खुशी ढोल बजाऊंगी, दिल खोल के ढोल बजाऊंगी। पापा, पापा यकीन मानिए पापा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं खुश रहूंगी। मैंने सुना था मेरे बाबा यहाँ हर साल आते थे, खूटी पूजा के दिन यहाँ पूजा करते थे। मैं गांव से फोन करके बाबा से पूछती थी, बाबा बताते थे उल्टी रथ यात्रा के दिन धूमधाम से खूंटी पूजा होती थी। मेरी भी इच्छा थी ये सब देखने की, और पूजा में आकर ढोल बजाने का सपना देखती थी, और आज वो सपना पूरा हो गया। हाँ पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। पापा, मैं ढोल बजाऊंगी, मैं खुशी खुशी ढोल बजाऊंगी। छोटे मालिक पूजा करेंगे या चाचा जी पूजा करेंगे? चाचा जी आप? देखो, भैया ने जब कहा है तो फिर। नहीं चाचा जी, मेरी बात मानिए, आप ही पूजा कीजिए। और वैसे भी सबसे बड़ी तो इस घर में मौजूद है मेरी दादी माँ, वो करेंगी पूजा। विंध्यवासिनी देवी करेंगी पूजा। विंध्यवासिनी देवी? हाँ पापा, हाँ पापा, दादी माँ मौजूद है ना, सबसे बड़ी वही है, वही शुरुआत करेंगी। इस सम्मान की असली हकदार वही है। हाँ पापा, वही करेंगी पूजा, वो ही पूजा की शुरुआत करेंगी। वो पूजा करेंगी और मैं ढोल बजाऊंगी, मैं ढोल बजाऊंगी।
बस तो तय हो गया, मैं बजाऊंगा कांसर और हम लोग ढोल की ताल पर नाचेंगे। बस तब तो प्रॉब्लम सॉल्व। मल्लिका, रागिनी, अंतर देखो। जमुना और तुम दोनों की सोच के बीच का जरा अंतर देखो। कोई मेल नहीं है। खूटी पूजा के दिन यहां मैं भी आऊंगी। फिर से यहां आ गई। बार बार यहां मुंह उठाकर क्यों चली आती हो तुम, बोलो। वाह, इस घर में तो मैं आऊंगी केदार राय। मैं इस घर में आऊंगी और इस घर में मौजूद हर एक इंसान घर की उस चौखट से बाहर चला जाएगा। तान्या, अगर ऐसा हुआ तो वो दरवाजा ही नहीं रहेगा। वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और अगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होगा तो इस घर से कोई बाहर पैर तक नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा। पर तुम आ सकती हो, तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, मतलब खाने के लिए, कपड़ों के लिए या फिर कोई भी मुसीबत हो, तुम इस घर में आ सकती हो। दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि हमारे इस घर से कोई भी भिखारी या कंगाल खाली हाथ नहीं जाता। जमुना, मैं यहां भीख मांगने नहीं आई हूं। जमुना, खूटी पूजा में मैं आऊंगी यही बताने आई थी। ए, तुम पूजा में क्यों आओगी तानिया? मुझे बताओ तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता है? हाँ वही तो, वो क्यों आएंगी? नहीं, वो आ सकती है क्योंकि अब भूल हो गई भैया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है। मेरे पति तो फैक्ट्री के मालिक हैं। हाँ, फैक्ट्री के मालिक, उन्हें तो सुबह शाम फैक्ट्री जाना ही पड़ेगा। चलती हूँ। बड़ी बुआ, आपसे एक बात पूछनी है मुझे। तान्या को ये सब किसने सिखाया है? आस्तीन की सांप तो आप ही हो सकती हो बड़ी बुआ। मेरे एब्सेंस में मेरे कमरे में सिर्फ आप ही जा सकती हैं, डुप्लीकेट चाबी लेने के लिए। उसके बाद उस चाबी को आर्या के हाथों तक सिर्फ आप ही पहुंचा सकती हैं। सही कहा ना? तुम ये क्या कह रहे हो संगीत? हाँ, ठीक ही बोल रहा हूं मैं। इसके बाद आर्या उस चाबी से मेरी गाड़ी का लॉक खोल के गाड़ी के अंदर गई और गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। आप तो इतना नीचे गिर गई हैं कि इस घर में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीत,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रागिनी, रागिनी ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ भैया मौजूद हैं, संस्कार भूल गई हो क्या? कमाल है मल्लिका, रागिनी को तुम यहाँ से लेकर जाओ। मुझसे नहीं होगा। मल्लिका, मैंने कहा ना, रागिनी को यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है रागिनी, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। और तान्या, तुम भी यहाँ से चली जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ। जाऊंगी तो जरूर, लेकिन खोटी पूजा के दिन मैं जरूर आऊंगी। हिम्मत हो तो रोक लेना। लेकिन ये क्यों आएगी? इस घर के सदस्य के अलावा तो कोई पूजा नहीं करता, और ये तो इस घर के कोई भी नहीं है, तो फिर ये क्यों आएगी? क्यों आऊंगी बताऊं? क्यों आऊंगी खोटी पूजा में? क्या हुआ केदार राय, वो जानना चाहती है। मैं बता दूं क्या मैं क्यों आऊंगी खोटी पूजा में? बता दूं? बता दूं? जानना चाहती है वो। मैं बता दूं मैं क्यों आऊंगी? तान्या, तान्या! निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो, निकलो, जाओ यहां से, चली जाओ। केदार राय, दोबारा बता रही, मैं आऊंगी खोटी पूजा में, मैं इस घर में यहां जरूर आऊंगी। और जमुना, मैंने सुना है मुंबई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तुम्हें, बहुत खुश हो है ना? ससुराल में बहुत खुश हो, पति, सास, ससुर सबके साथ खुशहाल परिवार है तुम्हारा, भरा पूरा परिवार, बहुत खुश हो है ना? खोटी पूजा होने वाली है, दुर्गा पूजा होगी, तुम्हें मैं खुश नहीं रहने दूंगी जमुना। और केदार राय, आपको भी खुश नहीं रहने दूंगी मैं, इस घर में किसी को खुश रहने नहीं दूंगी मैं। फिर याद दिला दूं, मैं जरूर आऊंगी खोटी पूजा के दिन इस घर में पूजा करने। अगर तू पूजा में आई तो पूजा नहीं होगी। जरूर होगी। हाँ पापा, पूजा होगी, ढोल भी बजेगा, पर ये पूजा नहीं कर पाएगी, ये पूजा में नहीं होगी। देखा जाएगा, देखा जाएगा।